बहुत से कॉफ़ी शॉप में गई मैं लोखंडवाला के, और उस वो टेबल पे ही मीटिंग्स हो जाती थी, टेबल पे ही पिक्चर रिलीज़ हो जाती थी, और अब टेबल पे ही बहुत अच्छे एकदम सुपर डुपर एक्टर बन जाते थे। डांस का पोस्टर लगा, पापा कह रहे यहाँ तुम पढ़ने आती हो, मैंने कहा नहीं पापा मैं डांस सीखने आती हूँ। मैंने मिस इलाहाबाद का जब कॉन्टेस्ट किया मैं विनर हुई, मुझे एक क्राउन मिला, एक शाशे मिला, पेपर में नाम निकला। तो सुबह के न्यूज़पेपर के पहले जब उन्होंने ये सब देखा उन्होंने कहा ये क्या है, ये इसके लिए इतनी मेहनत कर रही थी तुम, कुछ बड़ा करना है, कुछ अचीव करना है, कुछ अच्छी मुकाम में पहुंचना। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि लोग मुझे जाने, तो वो लखनऊ में रह के तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज़ कहना चाह रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि किसी ने बोला नहीं, बिल्कुल बोला, समझाया, बड़े बड़े एक्टर्स के नाम लिए मेरे सामने, वो समझ चुके थे कि हाँ अब ये सब कुछ कर लेगी, तो मैंने सब कुछ किया। जिंदगी का सफ़र इवेंट्स के साथ चालू किया। इवेंट्स में माहिरात हासिल करने के बाद उनको लगा कि उनको एक्टिंग इंडस्ट्री में आना चाहिए, और इस वक्त वो टेलीविज़न में अपनी शोहरत कमाने के पादान पर है। मिलते हैं, जानते हैं ओशी साहू से। फिल्मी टॉक्स में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस ओशी हैं। चलिए बातचीत करते हैं। हाय ओशी एंड फिल्मी टॉक्स में वेलकम। हाय राघव, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ। कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है या क्या काम चल रहा है कि आप इतना बिजी? एक टीवीसी एड आया है आरआर फैंस का। क्या कैरेक्टर था उस एड में आप? ब्राइड बनी थी मैं। ब्राइड रियल लाइफ में कब बन रही है या बन चुकी है? नहीं, आई एम सिंगल, और रियल लाइफ में मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं कब ब्राइड बनूंगी, क्योंकि अभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। घर वालों ने तो प्लान किया होगा? घर वाले कभी प्लान नहीं करते मेरे लिए, उनको पता है कि ये सब कुछ खुद कर लेगी, तो शायद डायरेक्टली डेट बताएगी कि मैं इस दिन शादी कर रही हूँ। तो कर लिया कुछ ऐसा तलाश? नहीं यार, अभी तलाश यार काम का है, अपने आप को मुंबई में स्टेबल करना है, सारी चीज़ें करनी है, तो अभी तो ऐसा इधर फोकस ही नहीं है मेरा, सच बोलूँगा। कहाँ से हैं आप? मैं प्रयागराज। तो शुरू से एक्ट्रेस मतलब इस फील्ड में आना था? सच बोलूँ तो बचपन से मैं ना बहुत शौकीन थी, मेकअप करने का शौक था। छोटी सी बात बता रही हूँ मैं कि किसी के भी घर जा रही हूँ तो उसके ड्रेसिंग टेबल से उठा के मेकअप शुरू कर देना, ये शीशे के सामने डांस करना, ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें। इवन हम और मेरी जो कज़न है, हम छोटे छोटे मूवीज़ के सीन्स को प्ले करते थे, पूरा प्रॉपर एक्ट करते थे, डायलॉग्स के साथ रिक्रिएट करते थे। तो बहुत करना चाहते थे लेकिन रास्ता नहीं पता था। और सच बोलूँ तो सबकी तरह मैंने भी, जैसे 10th में होता है कि आपको क्या लेना है, तो मैंने ले लिया मैथ्स। मेरे फादर चाहते थे कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ, तो मैं बन गई इंजीनियर उनके कहने पर। लेकिन ये भी एक लॉन्ग जर्नी इसलिए है क्योंकि आई एम द फर्स्ट वन जो कि मतलब प्रयागराज से बाहर निकली है। फिर वो भी एक लड़ाई थी मेरे लिए जिसको मैंने लड़ी, और फिर मैं लखनऊ आई और मैंने वहाँ से अपना बीटेक किया। लेकिन मैं कभी भी इंजीनियर नहीं बनना चाहती थी, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए था, उनकी खुशी के लिए था, कि उनको ऐसा ना लगे कि यार मेरी बच्ची ने मेरी बात नहीं मानी और वो कुछ और करना चाहती है। लेकिन हाँ, बैक ऑफ माइंड मैं एक्टर तो बनना चाहती थी, मालूम नहीं था कैसे बनूंगी, लेकिन ये रहता था कि यार एक पढ़ी लिखी एक्टर होनी चाहिए, एक बी ऑप्शन रेडी रहना चाहिए, कल को अगर कुछ खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि तुम नहीं बन पाए या फिर नहीं हो पाया, तो तुम कहीं अच्छी जगह जॉब कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। तो इसलिए हमेशा मैंने एक बी ऑप्शन हर चीज़ का रखा हुआ है, ताकि मैं कॉन्फिडेंट रहूँ, पैसे आते रहे, अर्निंग होती रहे, कभी भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसलिए अभी कभी लगता है कि बी ऑप्शन चूज़ कर लेना चाहिए। मैं मुंबई जब आई थी और काम का फ्लो नहीं था, तो एक बार को लगा, और मेरा एक दोस्त है जो कि यहीं पे मतलब बीटेक में ही हम साथ में थे और वो जॉब करता था, तो मैंने उससे एक बार ही पूछा कि यार बताना यार, जॉब ही कर लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। तो ये चीज़ मैंने सोची थी, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से काम आ गया और फिर वो चला गया वो कैसे काम शुरू हुआ और कब आए बॉम्बे? मैं आई 22 में, 22 में हाँ, 1 अक्टूबर 2022। इसके पहले मैंने लखनऊ में रह के काम किया है। और लॉकडाउन एक तरीके से मेरे लिए ब्लेसिंग था, क्योंकि उस ड्यूरेशन में मुंबई में शूट्स नहीं होते थे, वो लखनऊ में होते थे। MCCC की मतलब मुकेश आबड़ा की कास्टिंग एजेंसी भी लखनऊ में ओपन हो गई थी और उनके थ्रू मैंने 3 प्रोजेक्ट्स किए थे, वेब सीरीज़ किए थे लखनऊ रहकर। हाँ, काठमांडू कनेक्शन, रंगबाज, अभय थ्री, चूना। मतलब 3 वेब सीरीज़ तो मुझे वहीं पे लखनऊ में मिल गई। फिर मुझे जावेद अली सर के साथ एक सॉन्ग मिल गया, एल्बम सॉन्ग शहीदी। एंड क्राइम शोज़ मैंने भर भर कर किए वहाँ पे ढेर सारे क्राइम शोज़ के, यू नो, सावधान, मौका वारदात, ये वो। कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हो ही गया था, साथ ही में ये भी लग रहा था कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। मतलब बॉम्बे आने से पहले आपने वो एक तैयारी मेरी शुरू कर ली थी। मैं हमेशा कुछ पॉइंट्स मिल चुके थे आपको। बिल्कुल पॉइंट्स मिल चुके थे। इवन जो डायरेक्टर्स थे जिनके साथ मैंने काम कर रखा था उनको भी मेरा काम अच्छा लगा, आज मैं उनके टच में हूँ, यू नो। कि मैं जब मुंबई आई ऐसा नहीं आई थी कि मैं ब्लैंक हूँ और मैं सोच रही हूँ, नहीं। मुंबई आने के पहले ही मैंने उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। मैंने एक कास्टिंग एजेंसी यहाँ से ज्वाइन करी, उनके थ्रू मैंने ढेर सारे नंबर्स लिए और उनको मैं यू नो अपनी प्रोफाइल लखनऊ से ही रह के भेजती रहती थी, ताकि मतलब ये एक प्रोसेस रहे कि मुझे पता रहे कि मुझे क्या करना है, कहाँ पे क्या हो रहा है। और आज भी मतलब मुझे एड्स के ही लगभग काफ़ी ऑडिशंस आते हैं और मैं रोज़ रेडी होके ऑडिशंस पे घर पे सेटअप रेडी और करती रहती हूँ। सो लखनऊ में इतना अच्छा चल रहा था, फिर बॉम्बे के वहाँ से सब कुछ हो ही रहा था। सच बोलूँ तो बहुत आपने एकदम सही बात बोली, एकदम मेरी मम्मी वाली बात बोल दी है। मम्मी ने ऐसे ही कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरी मम्मी ये कहती है, अरे लखनऊ में मेरी बेटी प्यार से इतने अच्छे से रहती थी, 200 किलोमीटर दूर है, घर आ जाती थी जब भी होता था। बट कुछ बड़ा करना है, कुछ अचीव करना है, कुछ अच्छी मुकाम में पहुंचना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि लोग मुझे जाने, तो लखनऊ में रह के तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। मुझे लगता है यहाँ के एक्टर्स के साथ तो यू नो अलग है आपका एक्सपीरियंस, वहाँ पर आप करोगे ना तो लोगों को लगेगा ये तो लखनऊ के एक्टर्स हैं। सो ये अलग टैग है बॉम्बे के एक्टर और लखनऊ। बिल्कुल बिल्कुल वो दिखता है बैक। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि आप उन्हें कम वो देखेंगे, कम आकेंगे। लखनऊ के एक्टर ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की। तो ये नॉलेज एक्सपीरियंस एक मुंबई वाला एक्टर तभी बोलेगा ना जब वो इतना झेल चुका होगा सारी चीज़ें, उस कॉम्पिटिशन में है वो, उसको पता है ज़्यादा चीज़ें। वो लखनऊ वाले एक्टर्स को एक्चुअल में उतना नहीं मालूम है, उसका दायरा ही बहुत कम है। तो उस जंग को लड़ने के लिए मुझे लगता है कि इस मुंबई में आना ज़रूरी है और मुझे अच्छा भी लगा यहाँ पे आके। अच्छा लगा। कभी तो ऐसा कुछ डाउन रहा होगा कि नहीं यार, लक खुद को भी लगा होगा कि मम्मी सही कह रही थी? सबका अपना अपना लक होता है, सबकी अपनी जर्नी है। और ट्रस्ट मी, मुझे अपनी जर्नी पे पूरा भरोसा है। अगर मैं कुछ और भी चीज़ें जैसे यू नो अपना बी ऑप्शन आज भी मैंने रेडी रखा है और मैं उस पर काम करती हूँ। मैं सोशल मीडिया का भी एक काम कर रही हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार जब मैं कभी खाली हूँ तो वो एक खाली वर्ड तो एक तो मेरी लाइफ में नहीं होना चाहिए। मेरे पास ये होना चाहिए कि हाँ भाई कल ये आपको काम करना है, ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आप खाली बैठेंगे तो नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी। उसको दूर भगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कुछ ना कुछ करते रहो, वर्किंग में रहो। एक्टिंग के अलावा जैसे प्रोजेक्ट हो गए आपके 10 दिन के, 15 दिन के हो गए, जो खाली टाइम है उसमें क्या क्या किया जाता है? डेली रूटीन मैं बोलूँ एज एन एक्टर, जब आप किसी कैरेक्टर में होते हैं, मतलब ये मेरे साथ हो चुका है, तो आप उस कैरेक्टर को जी रहे होते हैं। ठीक है, उस कैरेक्टर को आपने जिया, फिर आपका वो रैप अप हो गया, वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। अब बैक टू नॉर्मल लाइफ आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है। एक तो खालीपन लगता है। वो सेट, मुझे वो सेट बहुत पसंद है अपना, मतलब मुझे हर सेट कुछ ना कुछ सिखाता है, ये मैं कहती हूँ। वहाँ के लोग मुझे कुछ सिखाते हैं। सो मुंबई का एक्टर क्या क्या झेलता है? स्टार्टिंग में तो मुझे लगता है लोग उसको डीमोटिवेट करते हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग, ये कह के कि जैसे लोग जनरली, अगर मैं किसी को कहूँ कि मैंने बीटेक कर रखा है, मैंने एमबीए किया है, मैंने ये किया है, तो वो कहते हैं कहाँ इस इंडस्ट्री में आ गई, क्यों आ गई इस इंडस्ट्री में, मतलब अच्छा खासा कर रही थी। बट मैं उनको ये चीज़ कहती हूँ, वो मेरी चॉइस है कि मुझे ये करना था, मैंने जॉब नहीं की। मेरी प्लेसमेंट हुई बट मैं नहीं गई जॉब के लिए। मैंने एमबीए भी किया, साथ में इवेंट में यू नो एज ए इवेंट कोऑर्डिनेटर थी। मैंने अपने एमबीए की फ़ीस भी खुद सबमिट की। मैंने अपने घर वालों से सीधे बोल दिया कि मैं सब कुछ कर लूँगी, मुझे अगर आप सपोर्ट करो तो। और उन्होंने किया, वो समझ चुके थे कि हाँ अब ये सब कुछ कर लेगी, तो मैंने सब कुछ किया तब से। सो आर्टिस्ट लाइफ के फैमिली सपोर्ट नहीं था शुरू में? सी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और वहाँ मिडिल क्लास फैमिली के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि या तो बच्चा टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा। मेरे फादर की शॉप है तो वो मेरा भाई देखेगा, मतलब ये चला आ रहा है, ये चलता जाएगा, ठीक है। तो उनको यही लगता था कि मैं इंजीनियर बनूँ, क्योंकि मेरे बड़े पापा इंजीनियर थे तो मैं भी इंजीनियर बनूँगी। तो ये है प्रोसेस, ठीक है। किसी को अगर मैं कहती कि मुझे एक्टर बनना है, पहली बात तो मुझे एक्टर मैंने कभी किसी को बोला नहीं, क्योंकि वो तो हंसते मेरे ऊपर। क्या मैं उनको ये बोलती थी मुझे टीवी एंकर बनना है, मुझे न्यूज़ एंकर बनना है, मैं ये कहती थी। लेकिन उसके लिए भी मुझे मना कर दिया गया, मुझे मास कम्युनिकेशन नहीं करने दिया गया, मुझे बीटेक ही करना पड़ा। क्योंकि एक वही एक तो एक बार ये भी था कि मुझे अपने शहर से बाहर जाना था, मुझे मतलब अपने प्रयागराज में नहीं रहना था, मुझे बाहर जाना था, मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करना था चीज़ों को। तो मुझे जैसे ही कॉलेज मिला, मैंने बस कैसे भी करके मैं बस चली गई। मैंने कहा यार अब तो निकल जाओगे तो शायद अपने आप को प्रूव भी कर पाओगे। एक छोटा सा किस्सा है, मैं डांस क्लासेस जाती थी तो मेरी मम्मी को लगता था कि उनको मैंने ये बोला था कि मैं करना चाहती हूँ, और मेरे पापा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। तो एक महीने तक तो मैं उनसे छुपाकर मैं डांस क्लास जाती थी, बैग लेती थी, उनको लगता था ट्यूशन पढ़ने जा रही है। तो मतलब उस ड्यूरेशन में भी मेरे खुमार थे कि मुझे कुछ ऐसा करना है, थोड़ा सा अलग एक्टिविटी, डांस करना। 12th में भी मैं सोचती थी कि मुझे करना है, जब लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम रहते थे तो भी मैं कुछ अलग करना चाहती थी। तो मम्मी ने ये बोला कि नंबर नहीं कमाने चाहिए, तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। तो उनको लगता था कि ट्यूशन पढ़ने जा रही है। एक तो मेरे यहाँ जो काम करता था वो मुझे छोड़ता था, तो क्या होता था कि वो मैं उसको एक गली पहले ही छोड़ देती थी कि तुम जाओ, मैं चली जाऊँगी यहाँ से। तो वो क्यों कुछ बोलेगा, वो चला जाता था, तो मैं पैदल पैदल अपना चली जाती थी। एक दिन वो आया ही नहीं, मैं 4 बज गया, मैं वेट कर रही हूँ, घड़ी देख रही हूँ कब अब क्यों नहीं आया, अभी क्यों नहीं आया, मेरी लेट हो रही है क्लास। पापा ने बोला चलो मैं छोड़ देता हूँ। फिर ऐसे होता ना 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। मम्मी मुझे देख रही है, मैं मम्मी को देख रही हूँ। मैंने कहा आज तो घर पे महाभारत होने वाली, क्योंकि आज तो पोल खुल जाएगी कि मैं यार डांस ट्यूशन नहीं जा रही हूँ, मैं तो डांस क्लास जा रही हूँ। और मैं उनको ये भी नहीं कह सकती पापा मुझे ये छोड़ दो, अब तो वो देखने भी जाएंगे कि मैं जाती कहाँ हूँ, पढ़ती कहाँ है, कौन से टीचर, आज तो देख लिया जाए। तो वो मैं जैसे ही पापा ने मुझे छोड़ा, उन्होंने बड़ा सा एक देखा, उसमें एक डांस का पोस्टर लगाया। पापा कह रहे यहाँ तुम पढ़ने आती हो। मैंने कहा नहीं पापा मैं डांस सीखने आती हूँ। कुछ नहीं बोला उन्होंने, वो चले गए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़मीन फट जाओ और मैं इसी के अंदर समा जाऊँ, मुझे अब घर नहीं जाना, मैं कहाँ भाग जाऊँ, क्योंकि मैं नहीं फेस कर सकती थी, सच बोलूँ। क्योंकि उनका ये था पॉइंट कि एक टाइम पे एक चीज़ करो, और मैंने कभी भी एक टाइम पे एक चीज़ नहीं करी। जैसे अभी भी मैं एक टाइम पे एक चीज़ करके शायद बोर हो जाती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ और चाहिए रहता है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ऐसा। फिर घर गई, काफ़ी डांट सुनी, मेरी वजह से मेरी मम्मी ने काफ़ी डांट सुनी। तो ये हो गया। पापा ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म के पैसे नहीं दूंगा, या तो तुम डांस करोगी या तो तुम बीटेक करोगी, दोनों में से कोई एक चीज़ डिसाइड कर लो, क्या करोगी तुम। और उनका ऐसे ही होता था, वो ऐसे बैठा देंगे आपको और ऐसे ही बोलते थे कि अब तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना। तो मैं सोच के बताना भी था उस टाइम पर। तो मैंने ये सोचा कि मैं अगर यहाँ रही तो मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊँगी। मैंने कहा ठीक है पापा मैं पढ़ाई करूँगी। तभी मैंने उस टाइम मैंने ये डिसाइड किया नहीं यार मैं बीटेक करती हूँ, कोई बाहर का कॉलेज। और थैंक गॉड मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया पढ़ के। और फिर मैं चली गई लखनऊ। फिर मुझे लगा चीज़ें थोड़ी आसान हुई, चेंज हुई, अब थोड़ा फ्रीडम है, अब थोड़ा सा कुछ कर सकती हूँ मैं। और फिर क्या हुआ कि अब जैसे कॉलेज में गए तो जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है कल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो मेरी इन्वॉल्वमेंट अगेन उसमें ज़्यादा, यू नो रैम शोज़ वगैरह इन सब चीज़ों में भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट। तो फिर एक मिस इलाहाबाद करके एक कॉन्टेस्ट था, तो मैं मिस इलाहाबाद 2016 बनी। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता था, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मुझे इलाहाबाद आना पड़ता था। तो मैं क्या करती थी, मैं फ्राइडे का अपना कॉलेज ख़त्म करके मैं ट्रेन लेती थी गंगा गोमती, एंड फिर मैं आती थी रात में ही। सैटरडे संडे मेरा वो क्लासेस जो भी होता था, ग्रूमिंग सेशन होता था, क्योंकि उसका 1 महीने का पूरा वर्कशॉप था, वो करती थी। फिर मैं मंडे की मॉर्निंग की ट्रेन लेती थी, फिर मैं लखनऊ जाती थी। क्योंकि क्लास भी अटेंड करनी है, क्योंकि अगर आपके नंबर्स कम आए तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा। तो मतलब मेरी एक तरीके से ऐसी बात हुई थी कि मैं पापा आपको नंबर्स चाहिए, मैं आपको नंबर ला के दूँगी, बस मुझे वो करने दो जो मैं चाहती हूँ। मतलब ये एकदम वैसा वाला था कि आर पार वाली लड़ाई घर पे एकदम हो रही है कि आपको नंबर्स चाहिए, मैं आपको नंबर ला के देती हूँ। और सच बोलूँ मेरे सच में नंबर आए, अच्छे नंबर आए, अच्छे नंबर आए। मतलब 75% ओवरऑल यार इंजीनियरिंग में क्या चाहिए, कभी बैक लगा? बैक लगी थी यार, एक मैथ्स में लगी थी। पापा का रिएक्शन कैसा था? मैं बताई नहीं, मैंने उनको नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, अब पता चल जाएगा। अब कैसा रिएक्शन है उनका? कि जब मेरे फादर नहीं है वो, सॉरी, हाँ, उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया था। तो बट मैं ये कहूँगी कि मेरे पापा जैसे, एक होता है ना कि नारियल बाहर से जितने सख्त अंदर से उतने सॉफ्ट, तो वो बिल्कुल वैसे ही थे, सीरियसली एकदम वैसे। जैसे मैं डांस क्लास जाती थी ना, तो मेरे जो सर रहते थे, आत्मजीत नाम है उनका, और वो DID में भी थे, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी। तो मैं उनसे बोलती थी कि सब मान नहीं रहे पापा, क्या करूँ मैं, ऐसा क्या करूँ? तो उन्होंने बोला कि उनको अभी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए वो नहीं मान रहे, जिस दिन उन्हें रिजल्ट दिखेगा उस दिन वो मान जाएंगे। एंड वाकई ये चीज़ हुई। मैंने मिस इलाहाबाद का जब कॉन्टेस्ट किया, मैं विनर हुई, मुझे एक क्राउन मिला, एक शाशे मिला, पेपर में नाम निकला। तो सुबह के न्यूज़पेपर के पहले जब उन्होंने ये सब देखा, उन्होंने कहा क्या ये, इसके लिए इतनी मेहनत कर रही थी तुम? उनका रिएक्शन ये था। लेकिन जब पेपर में नाम निकला, बाकी पूरे यू नो एरिया में, अरे आपकी बेटी तो मिस इलाहाबाद बन गई, तब उनको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्राउड हुआ, है ना। फिर अब उनको थोड़ा अच्छा लगा, बट वो शायद उस टाइम उन्होंने इतना नहीं दिखाया। जब मैं मिस इंडिया खादी में थी, तो अगेन वो बहुत, क्योंकि वो पैन इंडिया का था, प्रमोशन ज़्यादा हुए, उनके इंटरव्यूज़ हुए, तो उनको भी अच्छा लगा ही होगा बिल्कुल तो बस वो फिर वो समझ गया कि हाँ ये सब कुछ कर लेगी, और मैंने फिर वही किया। फिर पापा ने बोला कि जो करना चाहती हो मेरी बेटी सब कर लेगी, मुझे उसके लिए टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी उनसे पैसे नहीं मांगे। मैंने अपनी MBA भी खुद से किया, मैंने सब कुछ खुद से किया। जब आप घर वालों से पैसे नहीं मांगते और उनको लगता कि नहीं यार ये कर ही रही है, तो फिर इसे करने दो जो वो कर रही है। सो कितना इम्पोर्टेंट है पैसा? बहुत इम्पोर्टेंट है यार। कितना? मतलब मुंबई में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये बात तो मुझे मुंबई में आके और ज़्यादा मुझे ऐसा फोकस हो गया, मुझे लगता है कि एक आपका साइड बिजनेस होना है बहुत इम्पोर्टेंट है। एज एन एक्टर वो तो चल ही रहा है, लेकिन आपका एक बिजनेस भी इस्टेब्लिश होना चाहिए, कुछ होना चाहिए जहाँ से आपका अर्निंग यू नो मनी फ्लो हो रहा हो। तो ऐसा क्या सिचुएशन आई थी जिससे आपको पता चला कि यार बॉम्बे में पैसा बहुत ज़रूरी है? सी मैं तो मतलब मैं तब भी सेविंग करके आई थी, क्योंकि मैं इवेंट्स में थी, तो पैसे उस टाइम कमाती थी, तो मेरी सेविंग्स थी। बट ये हुआ कि मेरे फादर का थोड़ा सा ये था कि वो बीमार थे, तो मेरे थोड़े पैसे उधर चले गए। तब थोड़ा सा एक डिसबैलेंस सा मुझे लगा, तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार इतने पैसे होने चाहिए कि ऐसी प्रॉब्लम कभी फेस ही ना करो, कुछ भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए इस तरीके से। तो अभी पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है? क्यों आपको चाहिए? पैसा दे दो तो बहुत अच्छी बात है, इसको गूगल पे सब कुछ दे दूंगा। नहीं नहीं यार, मतलब एक्टिंग के अलावा भी क्या क्या, मुझे मत बताओ, एक्टिंग के अलावा भी ऐसे क्या क्या जरिए हैं? जरिए सोशल मीडिया है, एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो क्लाइंट्स आ जाते हैं, नेम करेक्शन एंड ऑल ये आजकल होता भी है, इफेक्टिव है। मैंने खुद का भी अपना नाम चेंज किया हुआ है। क्या चेंज किया नाम? पहले मेरी नाम की जो स्पेलिंग थी ओशी साहू में SAHU था, अब AA लगा दिया मैंने। ओके, AA मैंने भी लगाया। तो कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता वो बताओ? ये तो आप बताएंगे, आप कुछ फर्क? मैं तो अभी स्टार्ट किया मैंने। कब किया आपने चेंज? 1 महीना हुआ है। आपको कितना टाइम हो गया नाम चेंज किए हुए? मुझे मैंने दिसंबर में किया था। तो लाइफ में चेंज हुआ? बिल्कुल। क्या चेंज किया नाम में आपने? किससे चेंज करवाया? वो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा फिर तो आपको उनसे ये सवाल पूछना चाहिए। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आपने नाम में चेंज किया तो आपकी लाइफ में कुछ बिल्कुल क्या फर्क पड़ा पहले से और अब? स्टेबिलिटी है, वर्क फ्लो मैं कहूँगी। एक तो एक चीज़ मैं बोलूँ, मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी है। ओके। हर नाम का अपना एक वाइब्रेशन होता है, ठीक है। हर एक नाम को जब आप ऐड ऑन करेंगे तो एक अलग नंबर्स पे आता है। अब वो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से लिंक करता है या नहीं करता है, ठीक है। बेसिकली मैं बोलूँ टोटल नंबर ऐड करने पे 4 और 8 पर नहीं आना चाहिए, पर मेरा 8 पर आता था। अब 8 क्या होता है? वो शनि का नंबर होता है जो आपको लाइफ में स्ट्रगल देगा। तो वो लाइफ में स्ट्रगल मैंने फेस किया है अपनी पूरी ओवरऑल लाइफ में, लेकिन जब मैंने उसे चेंज करके उसको 5 पर ले आया तो थोड़ी लाइफ में स्ट्रगल कम हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ी, चीज़ें थोड़ी नॉर्मल मुझे देखने को मिली, और चीज़ें मुझे लगा कि ईजिली मुझे मिल जा रही है। आप देखिए बड़े बड़े एक्टर हैं, ऋतिक रोशन हो गए, आयुष्मान खुराना, मनीष पाल, राजकुमार राव, बिल्कुल। तो ये सारे जो एक्टर्स हैं, ऐसा नहीं कि वो अपनी स्किल्स पे काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी स्किल्स पे भी काम कर रहे हैं, प्लस कुछ और भी ऐसा कर रहे हैं जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब ये टोटली बिलीव पर है कि अगर आप पे बिलीव करते हैं तो ये होगा। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं कि एक होता ना फैशन बन गया, इसने डबल ए लगा दिया चलो मैं भी लगा के देखता हूँ। अब उनको ये बिल्कुल नहीं पता कि वो ए का एक अलग वाइब्रेशन होगा, क्या वो उनके लिए सही है या नहीं सही है, उन्होंने तो बस ऐसे ही कर लिया। ये गलत है। आपको अगर कराना है नेम करेक्शन तो आप एक प्रॉपर अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से जाकर करवाइए ताकि आपको भी अपनी लाइफ में वो चेंजेस दिखे। तो आपको तो चेंजेस लगे ही हैं। अब जब हम नेम की बात कर रहे हैं तो आपके नाम का क्या मतलब है? ओशी। ओशी ओशी मतलब होता है ब्राइट। ब्राइट, हाँ जी। इसका एक बहुत ही छोटी सी कहानी बताऊंगी। इट्स अ जापानीज नेम। पहले बचपन में मुझे बहुत बुली किया जाता था, ओ सी ओ शिट ऐसे करके। मैंने इंजीनियरिंग किया तो ओसी और डीसी करके जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है तो ओपन सर्किट बोल देते थे। लड़कों ने लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे बोला, मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं उनसे झगड़ती थी और फिर बड़ा बुरा लगता था। मैं फिर मम्मी से कहती, मम्मी क्यों इतना सुंदर, क्यों, क्या नाम है इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली ये नाम मेरे घर वालों ने नहीं, मेरी बुआ ने रखा। Okay. तो एक सीरियल था, जापानीज सीरियल, उसमें एक कैरेक्टर का नाम था ओशीन। ओशीन, ठीक है। तो मेरे फर्स्ट बर्थडे पे केक पे लिखा भी हुआ है ओशीन। अब वो ओशीन ओशी हो गया। अब फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सर्च ऑन किया तो फिर उसका मतलब ब्राइट निकला तो मैं जब लखनऊ में शूट करती थी तो कोई किसी ने मुझसे पूछा ओशी, तो उन्होंने, पता है मुझे तब नहीं पता था कि ओशीवारा कोई जगह भी है। हाँ। उन्होंने ये बोला, अच्छा ओशीवारा तुम्हारे नाम पे रखा गया है। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी कुछ है क्या? मुझे यहाँ पे आकर पता चला कि यार ओशीवारा एक जगह है। क्या रिएक्शन था जब पता चला? कि मजा आ गया। मुझे लगा तो ओशीवारा को ले ही लेना है, पूरा खरीद लूंगी ओशीवारा। बॉम्बे आने के बाद क्या पहला काम था, पहला ऑडिशन क्या था? पहला काम जो मैंने किया वो अभय 3 था। उसमें बहुत ही छोटा सा कैरेक्टर था रिपोर्टर का। वो मुझे मिल गया। वो बात अलग है कि चीज़ें एडिट हो जाती है तो उस चीज़ से तो मैं एकदम वो हो चुकी हूँ कि हाँ ठीक है, यूज टू हो चुकी हूँ मैं एडिट वाले ऑप्शन में, क्योंकि वो हो ही जाता है। एडिट हो गया था? हाँ हो गया था। दोस्तों को, फैमिली को बता दिया होगा? बिल्कुल नहीं बताया। ये सीखा है मैंने, ये चीज़ तब तक नहीं बोलना जब तक वो काम आपका आ ना जाए। डोंट से एनीथिंग। ऐसा कुछ हुआ होगा तभी जाकर? हाँ बिल्कुल हुआ है। यही तो हुआ था, ये था इवन काठमांडू कनेक्शन में मेरा एक प्रॉपर पूरा चंक था। तो ये चीज़ से मैं यूज टू हो चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं कुछ बोलती जब तक वो आ ना जाए या फिर खुद ही कोई। अब तो मैं किसी को कुछ नहीं बताती। मैं चाहती हूँ कि लोग ही मुझे कॉल करके बोले ओशी मैंने तुम्हें यहाँ देखा, ओशी मैंने तुम्हें यहाँ देखा, तो मुझे शायद अच्छा ज़्यादा फील होगा। पैसा तो मिल गया तो उससे खुशी हो जाती है ना कि पैसा तो आ गया। देखिए वो खुशी तो हो जाती है, लेकिन वो खुशी आपके काम दिखने से उतनी ज़्यादा नहीं होती। काम आ गया तो वो ज़्यादा खुशी है, पैसे आए और खर्च हो गए, बट काम तो है ना यार, वो दिखाने के लिए भी है, उसी के थ्रू आपको और काम मिलेगा। बॉम्बे में क्या क्या जरिए हैं जो एक्टर एक्ट्रेस पैसा कमा सकते हैं? अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग आप डबिंग कर सकते हैं, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। आपके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट है, कुछ सिखाने का है। मुझे लगता है ये चीज़ बहुत चलती है यहाँ पे। योगा क्लासेस, मेरे कितने दोस्त हैं योगा क्लासेस में एज अ टीचर हैं, वॉइस डिक्शन की क्लासेस लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मतलब मुझे लगता है मुंबई में अगर आप हैं तो आप भूखे नहीं सोएंगे। आपके पास कमाने के बहुत ज़्यादा जरिए हैं, जितने लोग उतने पैसे, मुझे ऐसा लगता है। ओके, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जो नई लड़कियाँ छोटे शहर से आती हैं? क्या क्या फेस करना पड़ता है? देखिए मैं आपको सच बात बताऊँ, थैंक गॉड मुझे वो चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि एक तो शायद अपब्रिंगिंग बोले, अब मेरी खुद का एजुकेशन बोले, इवेंट्स लाइन में मैंने ऑलरेडी काम कर रखा है तो मुझे चीज़ों का, लोगों का पता चल जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है लड़कियों के अंदर एक सिक्स सेंस है, उनको भी पता चल जाता है। कहते हैं ना यहाँ पे ब्रेन वॉश करने वाले लोग बहुत हैं। मैंने बोला था डीमोटिवेट कर देता है, अरे इसमें कुछ नहीं रखा है, क्या करोगी यहाँ ऐसे छोटे से कमरे में, कब तक करोगी? तो उनका ब्रेन वॉश करने वाले लोग हैं। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है, आपको दूसरे के किसी वर्ड्स पे बिलीव है, तब आप एक अच्छे एक्टर के आप कुछ नहीं बन सकते। आपको खुद पर ये बिलीव होना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं जिस चीज़ के लिए आया हूँ मुंबई पे, मैं वो चीज़ करके ही रहूँगा। जब आप ये सोचेंगे ना तो आप कर लेंगे, रादर देन आप किसी की बात सुनो। सो ऐसा कुछ हुआ लाइफ में जो आपको लगता है कि किसी और नई एक्ट्रेस के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस? सी मीटिंग्स बहुत होती है। मैं बोलूँ एक साल मैंने मीटिंग्स की, बहुत से कॉफ़ी शॉप में गई मैं, ये लोखंडवाला के तमाम कॉफ़ी शॉप जहाँ पे ये बोला गया कि ये मीटिंग है, इसका नरेशन है, और उस वो टेबल पे ही मीटिंग्स हो जाती थी, टेबल पे ही पिक्चर रिलीज़ हो जाती थी, और अब टेबल पे ही बहुत अच्छे एकदम सुपर डुपर एक्टर बन जाते थे, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, वो देखा, मुझे लगा टाइम वेस्ट है, क्योंकि ना तो वहाँ पे आपके एक्टिंग के लिए बात हो रही है, ना ही किसी चीज़ को लेके बात हो रही है, बस हवा में बातें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी नए लोग आ रहे हैं उनको इन सब जगह पे जाने से बेहतर है कि वो आराम नगर चले जाएं, वहाँ पे जाके ऑडिशंस दें, अपने एक्टिंग स्किल्स पे काम करें, उसको बेहतर करें, और आप कहीं पे भी होंगे आपको सच में लोग उठा के आपको ले जाएंगे। एक्टिंग, लक और उसके अलावा क्या जरिया है काम पाने का? एक्टिंग, लक और आपका दिमाग, होशियारी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी को प्रेजेंस ऑफ माइंड में कहूँगी, आपका बिहेवियर, बहुत सी चीज़ें हैं, सेट पर आपका बिहेवियर भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। अभी आप कुछ अलग ही टैंट्रम में हो और पता नहीं कौन से टैंट्रम में हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा। मैंने ये चीज़ सुनी है कि एक्टिंग कम हो चलेगा लेकिन एटीट्यूड एकदम वैसा नहीं होना चाहिए, एकदम एरोगेंट वाला, कोई नहीं पूछेगा, आपको दोबारा कोई काम नहीं देगा। कास्टिंग में काफ़ी अलग अलग फेजेस होते हैं, कभी ऐसा फेस किया कि नहीं यार अब हो गया, ये नहीं करना, यार चली जाती हूँ? सी, जो आप वर्ड बोलना चाहते हैं वो मैं बोल देती हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ कहना चाह रहे हैं हम। तो कभी किसी ने डायरेक्टली नहीं बोला मुझसे, अच्छा इनडायरेक्टली बोला, मेरी तरह भी जैसे हाँ, तो वो घुमा के बोलना, और ऐसा नहीं कि किसी ने बोला नहीं, बिल्कुल बोला, समझाया, बड़े बड़े एक्टर्स के नाम लिए मेरे सामने। क्या तरीका होता है उनका? मैं बता रही हूँ ना, पता है ये मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, किसी एक्टर का, ये इस एक्टर को काम ऐसे मिला, ऐसा एक्टर ने वहाँ गई थी, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मेरा एक ही रहता था, हाँ सर वो एक्टर है, उसका अपना लाइफ है, मैं किसी चीज़ को गलत या सही कहने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, ना ही देयर इज़ अ स्टैंडर्ड कि मैं यहाँ स्टैंडर्ड सेट कर रही हूँ कि ये सही है और ये गलत है, बिल्कुल नहीं। आप सही को सही इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपके लिए सही है, गलत को गलत इसलिए कहते हैं वो आपके लिए गलत है, ठीक है। तो उनको मैं बस बेसिकली यही कहती थी कि मैं ये नहीं कर सकती, मैंने क्यों अपने बी ऑप्शन ज़्यादा रेडी रखे कि कभी मुझे किसी चीज़ की तंगी ना हो, कि मेरा ध्यान कभी उधर जाए। जो भी नए लड़कियां आ रही हैं उन्हें अपना एक होता ना बैकअप स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, एक टैलेंट होना चाहिए कि जिसके वजह से वो आगे बढ़ सके, बिलीव होना चाहिए। आपने आसपास देखा किसी को इस तरह ट्रैक पर जाते हुए? इस ट्रैक पे जाते हुए नहीं, ऐसा तो नहीं देखा। इंडस्ट्री इतनी काफ़ी बड़ी है और ये चीज़ें तो होती रहती है आए दिन, कभी कोई तो ऐसा होगा जो आपके आसपास करता है राघव, ये तो मतलब ऐसा मैंने कभी नहीं इस चीज़ को वो किया। लेकिन हाँ मैं एक वाकया ये सुनाना चाहती थी कि लोग किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरी खुद की एक फ्रेंड है, उसको ये बोला गया, वो कानपुर की है, और उसको ये बोला गया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको टीवी सीरियल मिलने वाला है, बाकायदा मेल किया, और वो अपने पेरेंट्स के साथ आई, ठीक है, कानपुर से यहाँ आई, अपनी मम्मी के साथ वो आई, मम्मी या पापा किसी के साथ तो आई, और फिर ये हुआ कि वो बंदा उसको लेने भी आया। ऐसा होता कुछ लड़के इसमें अकेले आ जाती हैं भाग के, बट वो चलो समझदार थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ आई और उससे बोला कि मैं आपको होटल करा देता हूँ, मैं आपका करवा दूँगा सब कुछ, आप देख लीजिए ऐसा वैसा। तो उनको थोड़ा सा, उसकी मम्मी को खटका होगा, मम्मी आई थी शायद, उनको खटका, और उनके रिलेटिव ने, उन्होंने धीरे से कॉल किया, वो कार में भले बैठ गए पर उन्होंने मैसेज कर लिया, उन्होंने कहा बेटा आप मेरे को ये साइड में रोक दो, उन्होंने रोक दिया और फिर वहाँ से वो चले गए। वो समझ गई थी, बट ये कोई और भी हो सकता है, कोई शायद कोई और लड़की हो सकती है जो अब घर से भाग के जो लोग आते हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि जो कॉल्स आ जाती हैं आजकल कि ये आपका सिलेक्शन इसमें हो गया है, पिक्चर बस शूट ही होने वाली है तो ऐसी चीज़ों पर तो कभी नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट कितने लोग होते हैं कि मैं आपका सिंटा का कार्ड बनवा दे रहा हूँ। एक वाकया तो मेरे साथ होता, मैं लखनऊ में थी, मैं प्रोफाइल्स भेजती रहती थी, उसमें एक दो ऐसे भी टकरा जाते थे जो कि फेक होते थे। उन्होंने कहा कि अरे ओशी मैंने आपके ऑडिशन देखे, बड़े अच्छे हैं, हाँ हाँ सब बढ़िया सब बढ़िया, अच्छा ये बताइए आपके पास सिंटा का कार्ड है क्या? मैंने कहा नहीं सर मेरे पास सिंटा का कार्ड तो नहीं है। अरे रे 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 नहीं हो पाएगा फिर तो, ये कंपलसरी है सिंटा का कार्ड होना, इम्पोर्टेंट है। अब ये तो मुझे पता है कि ये गलत है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मेरे जितने एक्टर वाले फ्रेंड्स हैं उन्होंने बता रखा है कि भाई इस तरह से लोग लूटते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कोई ऐसा इंसान है जो सच में एक्टर बनना चाहता है, एक्ट्रेस बनना चाहता है, वो नया है, उसको लगेगा हाँ मम्मी पापा प्लीज़ मुझे सेंटा का कार्ड बनवाना, मुझे 10,000 20,000 दे दो मैं बन जाऊंगा एक्टर, उनको यही लगेगा ना। कॉम्प्रोमाइज़ की बात जैसे हो रही थी, कहाँ तक अपने आप को रोक के रख सकते हो आप? मेरे लिए ये चीज़ एकदम नो है, नो मीन्स नो। मुझसे सच में किसी ने आज तक ऐसे कभी नहीं ऐसे खुल के बोला। इनडायरेक्टली मुझे कहानियाँ बताई गई कि ऐसा ऐसा करके मेहनत करनी पड़ती है ऐसे, तो मेरा भी उनको भी समझ में आ जाता है कि वो आपसे ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वो मुझसे क्यों ऐसा बोलेंगे, उनको मतलब वो नहीं बोल सके, उनकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो मुझसे ऐसा बोल सके। किसी ने बोला? किसी ने नहीं। कैसा रिएक्शन रहेगा? रिएक्शन मैं कहूँगी नहीं, आप रॉन्ग विंडो पे आ गए, कहीं और जाइए। एक रियलिटी शो डेटबाजी जिसकी विनर रही हैं आप, सो एक रिलेशनशिप के लिए 3 बेस्ट टिप्स क्या हो सकती है? अंडरस्टैंडिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लॉयल्टी एंड थर्ड थिंग इज पैसा। यार पैसा भी है इम्पोर्टेंट, मैं पैसे को नहीं ला रही थी फिलहाल यहाँ पे, बट एक मैं बोलूँगी कि इमोशंस और वो पैम्पर, फिर फोर्थ पर पैसा। फोर्थ मतलब पैसा इम्पोर्टेंट है यार, इम्पोर्टेंट है। बिना मतलब एक डायलॉग नहीं सुना है कि अगर सिर्फ जहाँ प्यार होता है सिर्फ प्यार प्यार है, फिर वो तो प्यार निकल के चला जाएगा जब पैसा पैसा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। रहते तो हम इसी दुनिया में ना। आर्टिस्ट की लाइफ ऐसी है कि कल काम है नहीं है, समझ रहे हो? एक ऐसा मौका मिलता है जहाँ पर आपको करोड़ों रुपए मिल रहा है, फिल्म ऑफर हो रही है, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्या तो अच्छा ये आप पूछ रहे हैं कि करोड़ों क्या रहेगा? नहीं करोड़ों पैसे मिल रहे हैं मुझे, आपको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, हाँ, फिल्म मिल रही है, हाँ जी, बस आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। हाँ तो नहीं मुझे नहीं, मैंने बहुत पैसे देखे हैं, बहुत पैसे देखे, मैंने ऑलरेडी पैसे देखे हैं, मैं इवेंट्स में लिटरली मैं बहुत पैसे छापती थी, तो मैंने पैसे देख रखे। जिनको ऐसा लगता है कि अरे ये पैसा दे के इसको मैं अपने पास रख सकता हूँ, तो नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल मेरे लिए, तो बिल्कुल नहीं। काम भी दे रहा है? अरे वैसे सी इट्स नॉट अ काम एट ऑल। जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पे आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी ख़त्म हो रहा है। मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी टीम ने एक वीडियो देखा था आपका इंस्टाग्राम पर अयोध्या को लेकर, और आप रो रही थी, क्या हुआ था एक्चुअली, क्या था? मैं शूट कर रही थी, मेरा एक सीरियल का था, काव्या का शूट चल रहा था, और उस दिन भी शूट था जिस दिन राम जन्मभूमि थी। एंड आई रियली डोंट नो क्या था कि एक मैंने वीडियो देखा था ऐसे ही अपने रूम में बैठ के, उसमें जर्नी दिखाई जा रही थी 500 साल की कि क्या क्या हुआ, क्या क्या फेस करना पड़ा लोगों को, और इट्स अ बिग अचीवमेंट, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो बस वो आंसू ऐसे भी निकला। और आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, मैं कभी भी पूजा पाठ करती हूँ, मैं कभी भी कहीं मंदिर जाती हूँ, आरती स्पेशली जब होना शुरू हो जाती है तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सो आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं आपके? मेरी लाइफ का एक अच्छा प्रोजेक्ट मैं बोलूँगी मोखली। इट्स अ वन टेक मूवी इन द सेंस इसमें 5 हिडन कट है, 5 हिडन कट्स है, और ये कहानी है ढलते सूरज से लेके उगते हुए सूरज के एक परिवार की कहानी। ये मारवाड़ी एक है लैंग्वेज, उस पर है, राजस्थान में हमने शूट किया और उसके लिए बहुत एक्चुअल में हमने मेहनत की है। एक शॉर्ट फिल्म की है धागा, हॉटस्टार के लिए, वो भी आनी बाकी है, और एक मेरी सीरीज़ भी है, उसका नाम अभी चल रहा है कि क्या होगा, आई डोंट नो, वो भी। और एक है बगावत मैंने रजनीश दुग्गल सर के साथ किया, वो भी आनी बाकी है, वो शूद्र का 2nd पार्ट है बेसिकली। आखिरी सवाल ये है कि जो नए एक्टर एक्ट्रेस आना चाहते हैं उनको अपनी तरफ से क्या मैसेज, क्या कहना चाहोगे? पूरी तैयारी के साथ आओ, अपने पे भरोसा करके आओ, दूसरों की उतनी मत सुनो, आपका जो दिल कह रहा है उस पर बिलीव करो, अपने एक्टिंग स्किल, अपने स्किल्स पर काम करो, वही आपको आगे लेकर जाएंगे, ना कि लोगों की बातें। ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हर्डल्स आएंगी लाइफ में, बट उसको आगे बढ़कर ही आपको अपना मुकाम पाना है। जो चीज़ मैंने किया, मैं भी उनको यही बोलूँगी कि रुकना नहीं है, गिरना है, पढ़ना है, सब कुछ करना है, लेकिन रुकना नहीं, चलते जाना, डेफिनेटली आपको वो रास्ता मिलेगा। थैंक यू सो मच, एंड आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। सेम हियर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अब हम नेक्स्ट किस आर्टिस्ट के साथ बातचीत करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना? अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें। फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका, फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। अवेलेबल फॉर iOS एंड एंड्रॉइड डिवाइसेस, प्लीज डाउनलोड फिल्मी जॉब्स ऐप।